हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही यम्मी डिश मसाला पाव की। इसे बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल कट कर लिए हैं मैंने। एक फ्राई पैन में ऑयल डाला है। ऑयल में मैंने सबसे पहले डाला है बारीक कटा हुआ ऑनियन, दो हरी मिर्च। इसे 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये जब ट्रांसपेरेंट होने लगेगा तब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ गाजर। गाजर को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसे मैंने इसलिए ढक दिया है ताकि गाजर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। गाजर को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ टमाटर। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ सूखे मसाले। सबसे पहले मैंने डाला नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और ये मैंने डाला आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें मैं डाल रही हूँ एक मैगी मसाला का पैकेट, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आपके पास जो जो भी सॉस अवेलेबल है आप वो डाल दें। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच सेजवान सॉस, इसके बाद 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें मेयोनीज। आपके पास इसमें से जो अवेलेबल हो आप वो डालें, अदरवाइज नहीं हो तो टेंशन ना लें, उसे स्किप कर दें। इसे मैंने ढक दिया है ताकि वेजिटेबल जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और ये हमारी टॉपिंग बिल्कुल रेडी है। मेरी बेटी को पाव भाजी और आलू का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसमें 2 उबले हुए आलू डाल रही हूँ। आलू डालना इसमें टोटल ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालें। अब एक पाव लें, इसे बीच में से कट करें। अब एक फ्राई पैन में देसी घी डालें या बटर भी डाल सकते हैं और पाव को आप एक साइड से सेक लें। हल्का सा ब्राउन होने तक सेके इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब इसमें हमने जो फिलिंग रेडी की है उसे फिल कर दें। इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज डालें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें। अब इसे दूसरे वाले साइड से पैक कर दें। सेम फ्राई पैन में फिर से घी या बटर डालें और हमने जो मसाला पाव रेडी किया है उसे रख दें और दोनों साइड से धीरे से पलटा के ब्राउन होने तक सेक लें। और हमारे ये मसाला पाव बिल्कुल रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें तो ही ये बहुत टेस्टी लगते हैं, ठंडा होने के बाद इतना मज़ा नहीं आता। ऊपर से मैंने इसमें एक स्माइल बना दी है टोमेटो सॉस से। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।